आज मैं आपके साथ एक ऐसी पेरेंटिंग टिप शेयर करूंगा जिससे आप अपने बच्चे को RHS बना सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल, हैप्पी एंड सक्सेसफुल। लेकिन इसको बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, टाइम। अक्सर मुझे पेरेंट्स कहते हैं कि सर हमारे पास टाइम नहीं है, लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, हम लोग वर्किंग होते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है। सो मेरा एक सिंपल सा पॉइंट है कि क्या आप अपने बच्चे के लिए 9 मिनट्स निकाल सकते हैं डेली? If yes, then this video is for you. तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपने बच्चों के लिए 9 मिनट्स निकालने हैं, 9 quality minutes निकालने हैं। करना क्या है, अब उन 9 मिनट्स को हम 3 parts में डिवाइड करेंगे, 3-3 मिनट में। तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी, केयरिंग करनी। तो जब मॉर्निंग में बच्चे उठते हैं तो आप कैसे उठाते हैं, क्या आप ऐसे उठाते हैं कुंभकर्ण उठ जा, नालायक उठ जा? अगर आप ऐसे उठाते हैं तो यहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कैसे उठाना है, बच्चे अगर बच्चे सो रहे हैं, नहीं उठ रहे हैं, तो उनको प्यार से जाके हग कीजिए, किस कीजिए उनके फॉरहेड पे। इससे क्या होगा, मॉर्निंग में फर्स्ट टाइम जब आप उनसे बात करेंगे तो दे विल फील हैप्पी, और उन्हें जब प्यार मिलेगा तो वो आसानी से उठ जाएंगे। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट 3 मिनट्स क्या करना है, वो आपने मूवी देखी ना मुन्ना भाई, उसमें जादू की झप्पी, तो फर्स्ट 3 मिनट्स में आपको क्या करना है, केयरिंग शो करना है। तो जब हम केयरिंग शो करेंगे तो बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी डेवलप होगी, और जब वो पॉजिटिव होगा तो रिस्पॉन्सिबल, हैप्पी और सक्सेसफुल डेफिनेटली बनेगा। सो फर्स्ट 3 मिनट्स ऐसे निकल गए। अगला नेक्स्ट 3 मिनट्स में हमें क्या करना होता है, शेयरिंग करना होता है। तो पहले में हमने क्या किया, केयरिंग किया, ठीक है। दूसरे में हमें क्या करना है, शेयरिंग करना है। शेयरिंग का मतलब ये होता है, जब भी आप बच्चे के साथ लंच करें या डिनर करें, तब आपको क्या करना है, उनकी बातों को सुनना है, और सुनने के साथ साथ रिस्पॉन्ड नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है, आपको बस उनको सुनना है और एक्सेप्ट करना है। मैंने अक्सर बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है, जब बच्चा बताता है कि आज मैंने ये क्लास बंक किया, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं, और गुस्से करने की वजह से क्या होता है, बच्चा छुपाने लग जाता है। जब मैं छोटा था तो जब मैंने पहली बार स्कूल बंक किया था, तो मुझे लगा मैंने बहुत अच्छा काम किया है, और मैंने घर जाके बताया कि मम्मी आज मैंने बंक किया, तो मम्मी ने बोला कि रुक जा बेटा, आने दे तेरे पापा को। मैंने कहा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शाम को क्या हुआ वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। सो उसके बाद जब मैंने बंक किया, तो मेरे पेरेंट्स को आज तक नहीं पता लगा, हो सकता है जिस वीडियो को देख के उन्हें पता लग जाए कि उसके बाद मैंने कितने सारे बंक किए। सो व्हाट इज़ द पॉइंट, अगर बच्चा आपसे कोई बात शेयर कर रहा है तो उसे ध्यान से सुनिए, रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करने की बजाय उसे एक्सेप्ट कीजिए। अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम उनकी बातों को सुनेंगे तो वो हमें एज अ फ्रेंड ट्रीट करेंगे। आपने देखा होगा अक्सर बच्चे जो होते हैं अपनी सारी बातें फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं। सो केयरिंग हमें क्लियर हो गया, शेयरिंग हमें क्लियर हो गया। केयरिंग और शेयरिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज डेयरिंग। तो अब हम अपने बच्चों को डेयरिंग कैसे बनाएंगे, एवरी नाइट जब भी बच्चा सोने जा रहा हो तो उसके साथ मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करें, उसके साथ शॉर्ट स्टोरी शेयर करें जिससे वो मोटिवेट हो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए बच्चा छोटा है, तो उसके साथ अकबर बीरबल वाली स्टोरी शेयर करें, तेनालीराम वाली स्टोरी शेयर करें, रामायण शेयर करें, या फिर गीता के कुछ अच्छे इंसिडेंट शेयर करें। इससे क्या होगा, बच्चा मोटिवेट होगा, बच्चा इंस्पायर होगा। और जब थोड़ा सा बच्चा और बड़ा हो जाए तो उसके साथ डेयरिंग स्टोरी शेयर कर सकते हैं, जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, और भी ऐसे जो लीडर्स हुए जिन्होंने देश को बदला। तो जब बच्चे के साथ डेयरिंग वाली स्टोरीज होंगी, जब उसके पास ये डेयरिंग स्टोरीज जाएंगी, तो क्या होगा, वो अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए स्टेप्स लेगा। तो हमें 3 चीज़ें क्या करना है, शेयरिंग करना है, केयरिंग करना है और डेयरिंग करना है। और जब ये हम डेली 9 मिनट्स करेंगे तो हमारा बच्चा जीनियस बनेगा, सक्सेसफुल बनेगा, और क्या बनेगा, RHS बनेगा, रिस्पॉन्सिबल, हैप्पी एंड सक्सेसफुल। सो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, शेयर करना है, हमारे तेज दिमाग चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड यस, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच।